नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश टॉयलेट को कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी पता नहीं होता है कि इंग्लिश टॉयलेट को यूज़ कैसे करना है। यूज़ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है वो मैं आज आपको बताऊँगा। दोस्तों, पहले हमारे पास वो इंडियन टॉयलेट होते थे, लेकिन आज ये इंग्लिश टॉयलेट की एक्सेप्टेंस बहुत ही बढ़ते जा रही है। उसके पीछे दो रीज़न्स है बेसिकली दोस्तों। फर्स्ट रीज़न ये है कि ये बहुत ही स्लीक होता है और स्टाइलिश भी दिखता है काफ़ी ये। और दूसरी चीज़, इसको कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं लगता। अभी ये जैसे कि यहाँ पर जो नहाने का घर है एक्चुअली, और उसके अंदर हम लोग ने ये इंग्लिश टॉयलेट लगाया, तो इसके लिए कोई स्पेशल डेडिकेटेड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, अभी इसके पार्ट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है दोस्तों ये कमोड। और इसमें भी दोस्तों दो टाइप के आते हैं। अभी लोग बोलने के लिए उसको अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये शायद करते होंगे, लेकिन इसमें भी एक इंडियन स्टाइल आता है और एक यूरोपियन स्टाइल आता है। तो ये जो स्टाइल है वो इंडियन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये पूरा नीचे तक बैठा हुआ है, और इसका जो फिक्सचर आप देख सकते हो वहाँ पे स्क्रू लगा है, और ये नीचे बेस पे ज़मीन पे टच है, ठीक है। और कुछ यूरोपियन स्टाइल के जो होते हैं उसमें ये जो पार्ट होता है वो पीछे दीवार को फिक्स होता है वहाँ पे, और नीचे पूरा खाली रहता है, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको घर पर बिठाना होगा या फिर आपका घर पर यूज़ है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वाला लीजिए, क्योंकि इसमें टूटने का चांस कम है, क्योंकि वो नीचे डायरेक्टली फिक्स है ना, तो टूटने का चांस है ही नहीं, और बहुत सालों तक चलता है ये। अगर आप लगाने की सोच रहे हो तो ये वाला लगाना। उसके ऊपर दोस्तों है ये सीट कवर, एक्चुअली ये पहला वाला, ये जो है वो है मेन कवर, और ये है वो है सीट कवर। तो हमेशा जो टॉयलेट है उसको हमेशा आपको जो मेन कवर है उसको बंद रखना है हमेशा, क्योंकि क्या होता है अगर बहुत दिन तक आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे पानी जमा हुआ है, मॉस्किटोज़ के लिए वो ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है, मतलब मॉस्किटो उसमें पल सकते हैं। इसके लिए हमेशा इसको बंद करना, और जब कभी भी यूज़ ना हो तो उसको बंद रखे रहना। उसके बाद में सेकेंड चीज़ है, ये है फ्लश। तो फ्लश भी दो टाइप के होते हैं, एक जो वॉल माउंटेड होता है और एक कंसील्ड होता है। कंसील्ड मतलब वो दीवार के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले मैंने कंसील्ड लगाया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, बिगड़ गया वो, तो उसको रिपेयर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। उसको रिपेयर करने के चक्कर में गिरा ही नहीं, और सीधा मैंने एक एक्सटर्नल वाला और स्लीक वाला ले लिया, जो कि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैठ रहा था। इसको मुझे आगे लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आराम से रेस्ट हो रहा है यहाँ पर। और ये भी जो है वो ऐसे ही कट टू कट रेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा भी आगे लूँगा तो नीचे गिर रहा है वो, देखिए। सो मुझे इस साइज़ का मिल गया, इसीलिए मैंने ये एक्सटर्नल वाला लगाया है। तो एक्सटर्नल फ्लश में दोस्तों यहाँ पर दो बटन्स होते हैं, और ये थोड़ा सा एडवांस वाला है, महंगा वाला है थोड़ा सा, इसलिए इसमें एडिशनली जाली भी है। तो अगर आपको कुछ साफ़ करना होगा, मतलब अगर आपको कोई डिसइंफेक्टेंट या लिक्विड ऐसे कुछ डालना होगा, तो आप डायरेक्ट इसके अंदर यहाँ से डाल सकते हो, तो फ्लश होकर सीधा अंदर निकल जाएगा। बेसिकली दो बटन्स होते हैं दोस्तों इसमें, आप देख सकते हो, ये एक और ये एक। अगर आप इस साइड का दबाओगे तो पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा, और जब आप सिर्फ इसको ऐसे हल्का सा दबा के रखोगे थोड़ी देर के लिए, तो ये देखिए धीरे धीरे पानी कम होना स्टार्ट होगा, और आपने छोड़ दिया तो पानी उधर ही रुक जाएगा। तो जब आप ये करोगे तो आप थोड़ा सा पानी छोड़ के उसको ख़त्म कर सकते हो, और अदर चीज़ों के लिए ये पूरा टैंक खाली करना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ ये होता है फॉसेट, इसको कुछ लोग गन भी बोलते हैं। तो और ये जो स्प्रे निकल रहा है ना, उसको हम लोग जेट स्प्रे बोलते हैं, ऐसे जेट, ठीक है। तो ये बटन दबाना होता है, उसका कनेक्शन यहाँ पर, यहाँ से पानी दोस्तों अंदर आ रहा है। एक कनेक्शन सीधा गया है इस फॉसेट के लिए, और दूसरा कनेक्शन है वो गया है इस फ्लश के लिए। फ्लश में पानी जमा होता है, जब भी आप प्रेस करोगे तो पानी यहाँ से निकल के अंदर जाके वो पूरा बाहर ही जाता है, और थोड़ा सा फोर्स से आता है पानी। और एक एडिशनल चीज़ दोस्तों होती है, ये सिर्फ कमर्शियल स्पेसेस जो होते हैं जैसे कि मॉल्स में या फिर ऑफिसेज में होते हैं, वो होता है टॉयलेट रोल। क्योंकि ये नहाने का घर है, तो उसमें टॉयलेट रोल लगा नहीं सकते, क्योंकि तो नहाने के वक्त वो सीधा आके पानी उस पर गिर सकते हैं, इसके लिए हम लोग वो रखते नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, स्पेशली लेडीज़ लोगों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ दी मॉल्स या फिर मोस्ट ऑफ़ जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर अगर इंग्लिश टॉयलेट है वहाँ पर इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो आप सीट कवर देख रहे हो, ये सीट कवर के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और जो कि पनपते हैं उसके ऊपर। तो अगर बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन का चांस बढ़ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये एक्चुअली मेरे पास बड़ा वाला एक सैनिटाइज़र है जो कि 3M का है,
इसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने अमेजोन से लिया था ये। तो ये आप छोटी बॉटल या फिर जो स्प्रे वाली जो बॉटल आती है उसको आप कैरी कर सकते हो, और जब कभी भी आपको यूज़ करना है तो सिर्फ यहाँ पे आप इधर स्प्रे कर सकते हो ऐसे, और फिर बाद में जो टिश्यू पेपर होता है उससे रिंस कर सकते हो, या फिर आप टिश्यू पेपर पे थोड़ा सा लेके इसको अच्छे से रिंस कर दो। अगर दोस्तों आप होम सेटअप में हो तो आप इसको पहले से अच्छे से फ्लश कर देना, ठीक है, और उसको फिर बाद में एक बार यूज़ करके ऐसे फिर बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप दोस्तों मेल हो और आपको एक वन नंबर के लिए यूज़ करना है तो आप ऑब्वियसली खड़े खड़े उसको करते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले मेन कवर ओपन करना है, बाद में सीट कवर को ऊपर लेना है इस पोजीशन में, क्योंकि ये सीट कवर से बैठने के लिए। और अगर आपने ऐसे करके इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पे वो मतलब कंटेमिनेट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमेशा ऊपर करके इसको यूज़ करें, और फ्लश जो है वो बाद में हाफ वाला यूज़ करें। क्योंकि देखिए अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो पानी रुक गया, तो थोड़ा सा और पानी जाने देना और वो निकल जाएगा उतने में। सो दोस्तों अभी हम लोग यूज़ करेंगे इसको इस पर्पस के लिए। सबसे पहले तो मेन कवर आपको ओपन करना है, उसके बाद में सीट कवर को आपको ऐसे रखना है, आपको सीट कवर ऊपर रख के यहाँ पर बैठना नहीं है, तो इसको पीछे कर लो और फिर आप आराम से ऐसे ऐसे बैठ जाओ, और जो को भी जब कभी आपका काम हो जाए तो आप फिर बाद में ये फॉसेट लेना और इसको इस तरह से अंदर डाल के फिर आप स्प्रे मार के क्लीन कर सकते हो। वो हो जाने के बाद में दोस्तों आपको टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर से वाइप कर देना है। एक और प्रॉब्लम दोस्तों, ऐसे लोग बोलते हैं, एक्चुअली इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि जो पोजीशन जो है हमारी बैठने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि जब आप इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में देखोगे तो उसकी पोजीशन में आपका ये जो पोर्शन है ये हमेशा ऐसे ऊपर रहता है, बराबर, और आप ऐसे करके बैठते हो तो ये जो पोजीशन है वो एक्चुअली अचीव हो जाता है उसमें। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो पोजीशन है ये ऐसे एल शेप में है, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं है, ये एल शेप में है ना, तो बहुत लोगों को इसका डाउट है, लेकिन रिसर्च ऐसे बोलता है कि इससे कुछ होता नहीं है एक्चुअली, और बहुत सारे यूरोपियंस और जो अमेरिकन है वो बहुत सालों से यूज़ कर गया है, उनको तो कुछ हुआ नहीं तो हम लोग को क्या होगा। लेकिन फिर भी ये डाउट अगर आपके मन में है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक ट्रिक है। ये मेरे पास एक स्टैंड है, ये देखिए, मतलब इस पे बैठ के कपड़े धोते हैं, तो आप बस इसको पैर के नीचे ले लीजिए ऐसे, इसके ऊपर ऐसे पैर रख के आप आराम से ऐसे भी बैठ सकते हो, तो उसमें काफ़ी हद तक आपका ये जो पोजिशन है वो अचीव हो जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है ये, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप यूज़ कर सकते हो, मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता। दोस्तों सब कुछ हो जाने के बाद में इसको फ्लश करना है। फ्लश करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको जो मेन कवर है उसको बंद कर लेना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है वो बाहर भी आ सकता है गिर के, ठीक है, क्योंकि वो फ्लश का फ्लो ज़्यादा रहता है, इसलिए हमेशा उसको बंद करके फ्लश करना चाहिए, और फिर जाके जो आपका फुल वाला जो है जहाज पे जहाँ से पूरा टाकी खाली हो जाए तो उसके लिए आपको ये वाला बटन दबाना है। तो आप अंदर देखिए ये हो रहा है, लेकिन आपको खोलना नहीं है वो टाइम पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। हो जाने के बाद में दोस्तों सिर्फ आपको एक बार चेक करना है कि सब कुछ क्लीन हो गया है कि नहीं, सब कुछ निकल गया है कि नहीं, अगर नहीं तो आपको वापस एक बार फ्लश जो है वो दबाना है ऑब्वियसली पानी भरने के बाद में, और फिर बाद में आपको इसको क्लोज करके नेक्स्ट जो कोई यूज़ करने वाला होगा उसके लिए आपको रेडी पोजीशन में देना है। तो इसके लिए हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा आप पब्लिक प्लेस पे प्लेसेस पे ये जो सैनिटाइज़र है वो हमेशा कैरी करना। दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका टाइम शुभ हो।